नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय जो है लोकसभा इलेक्शन की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और ऐसे में अब जो है आखिरी रुझान यानी कि आखिरी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। और अब इस समय आपको इस समय की बड़ी अपडेट बता दें कि जिस तरह से बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला जो थे वो लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी डिफीट जो है वो मान ली। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी हार मान ली है। जैसे आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर महबूबा मुफ्ती जो है प्रत्याशी के रूप में वहां से लड़ रही थी, लेकिन वहां पर एनसी के मियां अल्ताफ का जबरदस्त प्रदर्शन देखने के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट के माध्यम से यह बताया है कि वो वहां से जिस तरह से उन्होंने लोगों ने प्रेडिक्ट किया है या जिस तरह से लोगों ने उस समय पोलिंग की थी उनकी वो बड़ी जो है रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ये इस सब के बीच में उन्होंने जो एक ट्वीट करके बताया है वो उन्होंने ये बताया है कि वो अब अपनी हार को मान चुकी हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट के माध्यम से जो है लोगों को ये बता दिया है कि मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं लोकसभा इलेक्शन में आपको जो है नहीं मिल पाऊंगा। उनका ट्वीट क्या है मैं आपको बता दूं, आई एम सॉरी आई वॉन्ट बी ज्वाइनिंग देम इन अ लोकसभा बट आई एम श्योर बोथ ऑफ देम विल डू एन अमेजिंग जॉब रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ J&K। जिस तरह से आपको बताया मैंने कि लोकसभा इलेक्शन जो है लंबे समय से चल रहा था और इंतजार की घड़ियां आज सुबह जब खत्म हुई और ऐसे में जब पोलिंग काउंटिंग स्टार्ट हुई तो पहले चरण जो 12 उसमें फेज में था, जब पहला चरण शुरू हुआ तो पहले चरण में ये कहीं ना कहीं रुझान जो आने शुरू हुए। तो ऐसे में जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में जुगल किशोर शर्मा जो भारी वोटों से जीते हैं और जितेंद्र सिंह वो भी जो है जम्मू की लगभग 1,00,000 वोट से इस समय जो है विजय घोषित हुए हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो विजय है क्योंकि रुझान आने अभी जो फाइनल रिजल्ट आना वो अभी भी बाकी है, रुझान अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो जम्मू सीट की अगर बात की जाए तो जम्मू सीट पर दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के जो है पाले में गिरी है। और अगर कश्मीर की बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए तो बारामूला से जो है इंजीनियर राशिद जो है वो अंदर जेल के अंदर से ही उन्होंने एक कड़ी टक्कर दी है उमर अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला ने जो है अपनी डिफीट को जो है मान लिया है, एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यही बताया। और वहीं अगर बात की जाए अनंतनाग राजौरी हॉट सीट की तो अनंतनाग राजौरी से जहां पर मियां अल्ताफ भारी पड़े हैं इस बार महबूबा मुफ्ती पर जो पीडीपी की इस समय प्रेसिडेंट है उनके ऊपर भारी पड़े हैं और पीडीपी की इस समय जिस तरह से उन्हें वोटें पड़ी हैं तो उनका महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट के माध्यम से ये लोगों को बताना कि मैं जो उन्होंने भी इससे डिफीट किया है, यानी कि दोनों ने अपनी हार जो है मान ली है। अभी फैसले आने बाकी है और जिस तरह से जम्मू में 5 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे थे और ऐसे में लगातार ये जो इस समय जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के माध्यम से हम आपको समय समय पर रुझान बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जम्मू की दोनों सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में गिरी हैं, यानी कि तीसरा हैट्रिक जो है बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर से फिर से एक बार बनाया है। और वहीं अगर श्रीनगर की बात की जाए तो बारामूला से इस समय इंजीनियर राशिद जो है जेल के अंदर से ही उन्होंने एक कड़ा मुकाबला उमर अब्दुल्ला को दिया है। उमर अब्दुल्ला देश के हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने इस बार फिर जब ये मुकाबला लड़ने की कोशिश की, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो उनका यही मानना था कि अनंतनाग जो गढ़ माना जाता था पीडीपी का, उनका ये मानना था कि शायद लोग उन्हें भारी भरकम वोट से जो है जिताएंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों के ट्वीट अब सामने आए हैं ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ने अब जो अपनी हार तय कर ली है। मैं दोनों की बात करूंगी तो यहां पर मैं बात करूंगी उमर अब्दुल्ला एनसी के वाइस प्रेसिडेंट और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है। महबूबा मुफ्ती के द्वारा जो एक ट्वीट जारी किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। Respecting the verdict of the people, I thank my PDP worker and leaders for their hard work and support despite all the odds. My deepest gratitude to the people who voted for me, winning and losing in part of the game and won't deter us from our path. तो ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी हार को पहले ही मान लिया है, जबकि
फैसला आना अभी बाकी है, रुझान अभी आखिरी चरम पर है और ऐसे में रुझान जो है अब रिजल्ट में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खत्ते में नजर आ रही है, लेकिन जहां बात की जाए चौधरी लाल सिंह की, सुबह अगर हम बात करें तो सुबह जो है चौधरी लाल सिंह के झोली में जो है उधमपुर सीट जो है वो नजर आ रही थी, उधमपुर कठुआ सीट, लेकिन अब जहां रुझान सामने आ रहे हैं तो ऐसे में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जम्मू की जो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में गिर गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी रुझान बाकी है, जनता जनार्दन ने क्या फैसला लिया है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से इस समय आंकड़े सामने आ रहे हैं उसका ये कहना कोई दो राय नहीं होगा कि जम्मू से दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में गिरी हैं। और वहीं बारामूला और अनंतनाग की सीट की अगर बात की जाए तो जहां पर एनसी और पीडीपी का गढ़ माने जाने वाले ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पर एनसी और पीडीपी को करारी जो है टक्कर दी गई है और दोनों ने अपनी हार पहले से ही कबूल कर ली है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस समय जो है फाइनल फेज जो है शुरू हो चुका है, काउंटिंग इस समय जो है फाइनल फेज की शुरू हो चुकी है और काउंटिंग जो है अब रिजल्ट में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि एनडीए अलायंस की बात की जाए तो एनडीए अलायंस लगभग 300 के पार है और वहीं इंडिया अलायंस जो है 250 के पार है। तो आने वाले समय में ये आंकड़ा कहां तक पार करता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लोकसभा इलेक्शन अपडेट को लेकर जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।